आज मैं बड़े अमेजिंग टैलेंट के साथ मिला हूँ और ये है सारा वो टैलेंट, करके दिखाओगे? ओए शॉट, Rawalpindi Express has left the station, that's for sure. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल। और कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं रहा, और इसी ख्याल से मैं ग्राउंड में आया देखने के लिए टैलेंट गया किधर हमारा, ये क्यों नहीं पीसीबी देखता। आज मैं बड़े अमेजिंग टैलेंट के साथ मिला हूँ और ये है सारा वो टैलेंट, करके दिखाओगे? इसमें मैंने लेग स्पिनर ढूंढे, फाटा से एक लेग स्पिनर है हमारे मोहम्मद अब्बास से, लेग स्पिनर छोटे से हैं 3-4 साल के, वो करेंगे बॉलिंग। हमारे कई बैट्समैन है, कौन है बाबर आजम, कौन से ये कौन है, क्या बनेगा? अफरीदी जल्दी आउट होगा, तू भी लंबा कर खेलेगा क्या? हम तो लगा के अच्छा फास्ट बॉलर करो, 4 विकेट के लिए थी, जल्दी आओ बच्चों को ले। ये बैटिंग कर रहा है, क्या नाम है? बासिल। बासिल मुझे बता के पाकिस्तान टीम में कितने साल की एज कितनी? चुप। तुम्हारी एज कितनी है? 9 साल। तो पाकिस्तान टीम को क्या हुआ है, क्यों नहीं जीती पाकिस्तान टीम है? जल्दी आउट हो। मैं बताऊं क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स बहुत ज्यादा मिडिल स्टार्क और वो डर जाते हैं बॉल पर, डर जाते हैं। तो क्या करे पाकिस्तान टीम जो जीत जाए? आज अब उतर आजा, जल्दी जल्दी भाग क्या। ये हमारी वुमेन्स टीम की आ रही है, नहीं बच्ची क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि अगर हमारी टीम ज्यादा अच्छा नहीं खेलती तो इन सब क्रिकेटर्स को डालें, क्योंकि ये क्रिकेटर्स बहुत अच्छे। आज सुनो 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 सुनो, हम लोगों ने पहली बॉल पर आउट होना है, आज मैंने 41 की है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, तुम्हारा ध्यान ये है, तुम्हारा ध्यान ये है कि अब अगर तुम्हें पाकिस्तान टीम में खेलना है ना, तो पहले मेरी 4-5 बॉलें फेस कर लो। मेरी बात सुनो, ये देखो ये देख रहे हो, खेल ये देखो हैं, देखो तुम्हारे माँ बाप आए, बॉल लगी ना तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, डरते नहीं हो? अच्छा डरते बरते नहीं हो? मेरी बात सुन। अच्छा बैट्समैन तो अब तू लेग स्पिनर है, क्या कितने साल है इसे? 7 साल का है जी। चल मुझे बॉल करा करके दिखा दे, रखनी जल्दी से बैट्समैन खड़ा हो, आगे जल्दी से जाओ। बासिल की बना यार वीडियो, बना आगे जाटो, आगे जाटो बासिल, आगे जाओ बेटा, पीछे पीछे जाओ, इसकी बनानी है, इसकी बनानी है, चलो चल बासिल कर। मैं ओ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कैच करो, बॉल लग जाएगा आसान, बॉल लग जाएगा, इसे करो इसे करो, ये देखो एक्शन क्लोजअप लेना यार, एक्शन क्लोजअप लेना, ये देखो। तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था, बच्चे मिल गए मुझे, ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेलती तो हम में से कोई ढूंढ लें। मैं कहा अच्छा चलो पहले मेरी बॉल फेस कर लो फिर देखते हैं। चल भाई वीडियो बना भी मेरी बॉलिंग की, बात है ना भाई, वीडियो मेरी बॉल की वीडियो बनाएंगे नहीं? चल आ जाओ, चलो भाई इधर, डरना नहीं है, डरना नहीं है, मैं डराऊंगा। अच्छा बैट्समैन देख लो, शॉट मार दिया, बॉल दे देना, बॉल दे देना। ये अपना इस्लामाबाद के बच्चे, अच्छा लगा कि बच्चे फाइनली बाहर आए हैं खेलने, मार दिया सोशल मीडिया ने और फोनों ने, अब सीजन ने घर से निकलने नहीं देते। और अभी मैं देख रहा था सीक्रेट गेम्स देख रहा था और मनी हाइस्ट देख रहा था, तो अच्छा लग रहा था, तो काफ़ी खुश करता हूँ बच्चों को, कहता हूँ यार कि ज़रूर देखो,
जरूर सारी चीजें करो, लेकिन ये ना 2 घंटे ग्राउंड में जरूर गुजारो, और ग्राउंड में गुजारना जरूरी है, और इसलिए जरूरी है कि एक्टिविटी जो ग्रोथ है ना बच्चों की, नशोनुमा जिसे कहते हैं, जो हो सकती है यहाँ पे गिरने से, लगने से, बॉल पकड़ने से, बॉलिंग करने से, बैटिंग करने से, वो हमारी ग्रोथ रुक गई है। वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और दुनिया कहीं में भी बच्चे हैं ना, वो सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। और तुम रोज आओगे ना खेलने यहाँ बाहर के? नहीं अच्छा, चल बाहर अकेडमी वही पहाड़ों के पास। अच्छा हाँ, विजिट करूंगा तो वन बाय वन सबको मौका मिलेगा। आ जाओ पीछे, आ जाओ, चलो कैसे आगे जान के कर रहा हूँ। सो आई थॉट आई मेक समथिंग डिफरेंट टुडे। बच्चे मुझे वैसे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब शोर करते हैं ना बड़ा दिमाग जाता है। मैं अभी बच्चों को लेके आया हूँ घर से। मेरा बेटा कहाँ है? मिकाइल इधर आओ। अच्छा देव बोल दे। मैं बच्चों को लेके आया था ग्राउंड, और उनको मैंने कहा चलो खिला देता हूँ। तो मैंने कहा 3-4 बच्चे होंगे, बड़ा बड़ा ग्राउंड खेलते रहेंगे, आगे आएंगे। 30,000 बच्चा टकर गया मुझे। ओए शॉट, बॉलर बनाया उन्होंने मुझे क्राई का। चलो जी, इसे शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल, और जैसे शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल, और आज मैं सोचा मैं समथिंग डिफरेंट, एंड बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंटिल ये अभी शोर ना करें तब। एनीवे लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। लुक गाइस, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु क्रिटिसाइज, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली ट्राई टू से द लॉजिकल थिंग्स, और आप लोगों को पसंद आती है कि मैं ब्लंटली बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ लॉजिकल बात करने की। लेकिन जो एक बंदा जो इंजर्ड नहीं होता था, जिसको 24 घंटे इंजरी रहती थी, पूछो कौन? मैं तो समझ गया। ओह यार, ओए मैं क्या हुआ यार, मैं निकल आया। मैं कहा तेरी पेस 120 है, तेरा निकल कैसे निकल सकता है अजहर महमूद? पाकिस्तान वहीं से बाहर हो गए थे जब वेस्ट इंडीज का पहला मैच पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हारा। फखर, इमाम, बाबर, ये आपका सेट है, ये छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये अभी तक धड़क रहा है, बहुत जोर का धड़क रहा है, और मैंने कहा था ना आपसे फैंटा लग जाएगा। याद रखना, एक उंगली दूसरी की तरफ होती है, 4 अपनी तरफ होती हैं। सो ये याद रखना। सो डोंट स्टॉप क्रिटिसाइज सानी मिर्जा, एंड प्लीज वंस फॉर ऑल आई एम सेइंग टू यू, सोनाली बेंद्रे मेरा कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ ऐसा नहीं था। प्लीज स्टॉप दिस स्पेकुलेशन वंस फॉर ऑल, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द मीडिया। पूरी कौम खड़ी हुई है, लेकिन ये याद रखना कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा एसेट था, फ्रंट लाइन फोर्स है हमारी। जब भी पाकिस्तान फंसा है, जब भी पाकिस्तान कहीं भी मुश्किल आता, अभी भी मुश्किल माशी हालात में फंसा हुआ है, तो ये हमारे जो फॉरेन रेमिटेंस हैं, जो आप लोग हैं, हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी, ये आज भी मदद के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। ये जो जगह है ना, ये भी बहुत ज्यादा पुरानी है और हिंदुओं के लिए बड़ी सीक्रेट हिस्टोरिकल प्लेस, बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, तो हमारे जो लोग हिंदुस्तान में वो देखें, क्योंकि बात क्या है, अब क्या करेगा बीसीसीआई, अब इनकी जो जितने दोस्तों को विराट कोहली ने फेवर दी थी और उनको प्लेयर बनाने में मदद की थी, और अच्छी नीयत से की थी कि केएल राहुल प्लेयर बन जाए, दिनेश कार्तिक बन जाए, सारे आ जाएं, पंट आ जाए, वो अब फेवर इन दोस्तों को नहीं मिलनी। ऑफ स्टंप से निकलती हुई बॉलें बैट्समैनों को तंग करती हैं, स्पेशली इंडियन बैट्समैनों को तंग करती हैं। मैं क्या, ये इन बेवकूफों को नहीं पता, तुझे पता होना चाहिए। अच्छा कौन है? डेल स्टेन। मैं कहो भाई तू इस पेस से हमारे साथ खेल रहा होता, हमने सो भी नहीं करना था। मैं चाहता हूँ कि नई टीमें वर्ल्ड कप जीतें, उनकी क्रिकेट प्रमोट हो, इंग्लैंड में क्रिकेटर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता जाए। शाहिद अफरीदी ने भी तो ये 2-3 दफ़ा होता ना, वर्ल्ड कप के बाद छोड़े हैं, अब इसके बाद छोड़े हैं, कहते तो मेरे कोई प्लान्स नहीं है। लेकिन लेट्स सी जी, गेल के यूसुफ ने 4 दफ़ा रिटायरमेंट दी है ना। आज मैं रिटायर हूँ, कल वापस आ जाए। मैं यूसी छोड़ दे यार।